राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र मांझखोर ग्राम सभा में गांव वालों का आरोप है कि मांझखोर प्रधान द्वारा कागजों में तो विकास की गंगा बहा दी गई है और जमीनी हकीकत तो और ही कुछ देखने को मिलती है। बता दें कि अधिकारियों की साठगांठ से लगभग 30 से 32 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिसमें हैंडपम्प मरम्मत, इंटरलॉकिंग, सौर ऊर्जा, सौंदर्यीकरण, तालाब, विद्यालय बावंडरी में 3 नंबर का ईंट इस्तेमाल किया गया और पंचायत भवन की मरम्मती का रुपया निकाला गया। मनरेगा पुराई का काम भी जेसीबी मशीन से कराया गया है। इस पर तो अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए सुने क्या कहा गांव वालों और प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल, ब्यूरो रिपोर्ट अनिल कुमार के सरवानी के साथ। धाव को पानी नहीं दे रहा, पानी दे रहा सब मरम्मत का इतना पैसा निकला है। सहयोग देना पड़ेगा आपको, सहयोग देना पड़ेगा जो हमारा बताइएगा। हाँ, आपके दरवाजे से आंगनबाड़ी केंद्र तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण, क्या कहते हैं, सोलर लाइट, अब 65,000 मरम्मत का भी निकला है, जबकि एक ना लाइट लगी ना कोई मरम्मत हुआ। हमारे रसूलपुर सानी में भी इसी तरह ये जो अभी लाइट लगी है जी, जिला पंचायत के प्रधान ये प्रधान ने लाइट नहीं लगवाया, कहीं अपने घर तक देख लीजिए कोई कार्य नहीं। ये किन का घर है? जेसीबी से मतलब पूरी खुदाई करवाया है और इसमें मतलब पूरा उसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ, वीडियो भी आपको मुहैया कराऊंगा। हाँ देख लीजिए, पूरा जेसीबी से काम हुआ है, पूरी यहाँ पुरवाई जेसीबी से करवाया है। ये जो चक्रोड है इसकी पुराई पुराई इसी, हाँ जेसीबी से प्रधान करवाया है। अच्छा, हाँ ये जो वर्तमान समय में प्रधान है संगीता देवी। अच्छा अच्छा, क्योंकि मनरेगा के कार्य में तो जेसीबी अलाउ नहीं है। नहीं कोई अलाउ नहीं सर, इसीलिए तो मैं जांच डाला हूँ। चलिए ठीक है, देख लीजिए आपके सामने पूरी खुदाई उसी तरह है, यही रोड में मतलब डलवाई गई है मिट्टी। अदर गांव के लोग हैं मतलब सही बात है। कौन प्रधान निकाले ये? आओ इधर बताओ यार, खड़े हो बताओ, छोटू बताओ। अरे भैया अरे बताओ, इधर ही बोल रहे हो। चाचा आ जा, यावत बिहारी के घर, आवत बिहारी का। हाँ नहीं तुम महीने से पला महीने के बीच में पैसा निकला है। के मरम्मतीकरण के लिए पैसा निकाला जा चुका है, चलो वहीं पर तो इसका मरम्मत हुआ है कहीं? नहीं हुआ कहीं। कब से नहीं हुआ? मैं इसका सदस्य हूँ, 1988 में हुआ इसका, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ तो इसमें प्रधान जी इसका पैसा भी निकाल चुके हैं। इसका मैं सदस्य हूँ प्रधान के। तो आप सदस्य हैं तो आपकी जानकारी में है कि पैसा निकला हुआ है? हाँ पैसा निकला है लेकिन कोई कार्य नहीं। नहीं तो कितना पैसा निकला है? ये तो मुझको आज तक मुझसे सिग्नेचर ही नहीं किया गया, मुझको बुलाया नहीं गया। 2,65,000 निकला है, हम आपको दिखा देंगे इसमें। आज तक मुझको नहीं बुलाया गया, मैं सदस्य हूँ इसका। मतलब आप इस यहाँ के सदस्य भी हैं फिर भी आपको नहीं बुलाया गया कि अन्ना बताया गया कि आप मतलब पैसा निकाला गया है? और इसमें देख रहे हैं कि जानवर उनवर बांधे जा रहे हैं? बांधे जाते हैं, कई बार हमने मना किया, प्रधान भी मना किया लेकिन नहीं मान रहे। रसूलपुर सानी में जो विद्यालय की बाउंड्री हो रही है जी, कैसा क्या मटेरियल लग रहा है अब इसमें? 3 नंबर तो ईंटा लगवा रहे हैं प्रधान जी जी,
और मटेरियल भी वही आठ दस एक का लग रहा है मसाला। इसके बारे में कहा भी गया है तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। किससे कहा है? ये जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन्हीं से कहे। क्या कह रहे थे? तो कह रहे हैं जो करेंगे हम अपने ढंग से करेंगे कि आपके ढंग से करेंगे, जो हमको कहा जाएगा प्रधान के द्वारा वो हम करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ वो लोग यही बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम नारायण सिंह है। आपको? अवध बिहारी। अवध बिहारी, ये कौन सा गांव है? रसूलपुर सानी गांव से मेरा। अच्छा, ये आपके सामने जो खरिंजा लगा है ये कब का है? ये 15 साल से कम ना होगा। अच्छा, वर्तमान प्रधान क्या है? इस समय तो राम बाबू है, शिव बाबू, संगीता देवी। शिव बाबू है कि उनकी पत्नी? पत्नी है। अच्छा, तो उन्होंने तो आपके सामने एक कागज में जो है इंटरलॉकिंग और नाली सब बनवा डाला है। अरे भैया अब आप लोग कुछ करत हो तो हम जाने नहीं पाई थी यार। नहीं बना तो नहीं है ये? नहीं बना नहीं है। अब बना हो तो साफ साफ बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं बना। तो क्या आप कहेंगे प्रधान जी को? प्रधान जी को ये कहेंगे कि जब बना नहीं तो कैसे दिखाए। अच्छा। मैं सामने कह सकता हूं। जी जी, बात सही नहीं। इसका पैसा भी निकाल लिया है उन्होंने। अच्छा, रोड का काम कोई नहीं? अच्छा, रोड का काम कुछ नहीं हुआ, केवल कहा था खरिंजा वही असलम प्रधान के समय पर वही नाली बनवाई थी। हाँ। और नाली बनवा करके नहीं आ उसी खरिंजा को जो तोड़ के किनारे के उखाड़ लिया था तो कहा उसी को लगवा दीजिए ईटा का, कहते नहीं यही है जैसा भी उन्होंने किया। आपको पता है आपके सामने जो है नाली और इंटरलॉकिंग रोड जो है कागज में दर्ज है? हमको नहीं पता। हमको नहीं पता। दर्ज है तो दर्ज होगा भाई, यहाँ तो कोई काम नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर श्रीमाली। क्या है? मेरा नाम शिवबाबू साहू। जी जी, प्रधान प्रदमिन माजपुर। माजपुर, जैसा कि लोगों का जो है आरटीआई भी डाले हुए हैं और लोगों का ये आपके ऊपर आरोप है कि काम नहीं हुआ है और उसका पैसा निकल गया है, प्रधान ने ये गमन किया है, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिना एस्टीमेट बने कोई पैसा निकलता नहीं है। जी, ना किसी कंप्यूटर में फीड होता है। जी, ऐसा कोई जानकारी नहीं मुझको कि बिना काम करवाए पैसा निकल जाए। जी, जैसा कि आपके द्वारा जो है कई हैंड पाइपों का रिबोर कराया गया है, जबकि वहाँ लोगों का कहना है कि नहीं आज तक हैंड पाइपों में काम ही नहीं हुआ। नहीं, रिबोर जो हुए मेरे पास एस्टीमेट है, मैं आपको दिखला सकता हूँ। आपका जैसे ये जूनियर स्कूल है वहाँ जो खरिंजा है वो और खरिंजा नाली इंटरलॉकिंग के नाम से पैसा निकला है, आप क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, वो तो कस्बा सोहन का विद्यालय जूनियर, मेरे यहाँ का नहीं है, कस्बा सोहन का है। नहीं, इधर इधर जो रास्ता गया है इधर वाले गेट में जूनियर कस्बा सोहन पड़ता, मांझखोर में है ही नहीं वो। नहीं, इधर का जो गेट का इधर का जो रास्ता है उधर का नहीं, वो विद्यालय मांझखोर का है ही नहीं। विद्यालय की बात नहीं, विद्यालय पहले जो खरिंजा उसमें इंटरलॉकिंग दिखाया गया। नहीं, वो मेरे एस्टीमेट में नहीं है ना, कार्य योजना में। जी जी, और कई जगह जो है रोडों का है इंटरलॉकिंग के नाम से जो है काम हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं। बता रहे हैं कि पूर्व प्रधान के आज दसियों साल से ऐसे पड़ा है। नहीं, कोई उसे कुछ है ही नहीं उसका। आप जैसे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये तो गलत है, वो तो चुनावी रंजिश कर रहा है। जी, जबरदस्ती। आपके यहाँ एक तालाब है उसका सौंदर्यीकरण के नाम से जो है लाखों रुपया जो है गमन किया गया है, आरोप है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे समय में उसमें कुछ नहीं हुआ, मैं कोई कार्य ही उसमें नहीं करवाया। जी जी, अभी तक किसी योजना का पैसा निकाला गया आपके द्वारा? अभी तक किसी योजना का पैसा निकाला नहीं, गया जो इंटरलॉकिंग हुई बस उसी का निकला। कितनी इंटरलॉकिंग है? बस एक हुई है अभी। किसके यहाँ से किसके यहाँ तक? वो रसूलपुर सानी में है। नहीं, किसके दरवाजे से किसके दरवाजे? इतना तो याद नहीं है, कार्य उसमें रखा है एस्टीमेट में। रसूलपुर वाला जो आप बता रहे हैं वहाँ भी खरिंजा लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग कहाँ? नहीं, इंटरलॉकिंग हुई है।